हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वाइल्ड फैक्ट में। तो आइए आज के उस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं रफ्तार के बादशाह चीते से। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय संधारी जीव है, जो आज केवल अफ्रीका के सहारा और बहुत कम संख्या में ईरान के कुछ क्षेत्रों में ही पाया जाता है। केवल दिन में ही शिकार करने वाले इस जीव की रफ्तार 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, या कहें तो 35 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। जिसको ये अपने शरीर की हल्की बनावट, लंबे पैर, अपनी लंबी गर्दन, पंजों की मजबूत पकड़ के साथ ही अपनी लंबी पूंछ जो इसको दौड़ने में मदद करती है, साथ ही इसका बैलेंस बनाने में भी मदद करती है कि सहारे प्राप्त करता है। चीता अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकता है। एक बार देख लेने से ये अपने शिकार को अपनी आंखों में टिका लेता है, और जब शिकार की दूरी महज 200 मीटर तक रह जाती है, इस समय रफ्तार का ये बादशाह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार महज 2 से 3 सेकंड में ही पा लेता है। इस रफ्तार में ये अपने सिर को एक सीधी स्थिति में बनाए रखता है, जिसमें इसकी मदद इसके कानों में पाए जाने वाले स्पेशल मॉडिफाइड स्ट्रक्चर करते हैं। मगर इस रफ्तार को पा लेने के बाद ये केवल 300 से 400 मीटर तक ही इस रफ्तार में दौड़ सकता है, जिसका कारण है इस रफ्तार में इसका हार्ट 120 बार प्रति मिनट से बढ़कर 250 बार प्रति मिनट तक धड़कने लगता है, और साथ ही इसके शरीर का तापमान सामान्य तापमान 38 डिग्री से बढ़कर 40 से 41 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस समय चीते के पास शिकार को पकड़ने के लिए केवल 10 से 20 सेकंड ही होते हैं। इसके बाद चीते को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए रुकना ही पड़ता है, इसलिए इनका शिकार अधिकतर इनके हाथ से निकल ही जाता है, और केवल 40% केसेस में ही ये शिकार को पकड़ पाते हैं। इनको शिकार को दूसरे शिकार चोर जीवों से, जिनमें शामिल हैं हाइना और शेर से, भी बचाना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए ये अधिकतर शिकार को एक बार में ही बिना देरी किए खा जाते हैं। 1 से 1.5 मीटर तक लंबे शरीर में 60 से 80 सेंटीमीटर की पूंछ के साथ इनका वजन 35 से 50 किलो तक हो सकता है। एक चीते की औसतन आयु 10 से 12 वर्ष तक होती है। एक फीमेल एक बार में 2 से 8 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जिनमें से 80 से 90% तक के बच्चे 3 महीने के अंदर ही दूसरे बड़े शिकारी जीवों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें शेर मुख्यतः होते हैं। इसीलिए इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो गई है, और आज ये IUCN की वनरेबल कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। आगे भी इसी तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें।